हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू टेको शहजान। दोस्तों, एडवेंचर किसे पसंद नहीं, पर आजकल के माहौल को देखते हुए एडवेंचर लवर्स भी अपने घरों में कैद हैं। इसीलिए आप सभी के उसी बोर्डम को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 बेस्ट एडवेंचर मूवीज जो आपकी बोरिंगनेस को बिल्कुल दूर कर देंगी। 10th प्लेस पे आती है ब्लैक डेथ। आज जैसे एक बुरी बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, वैसे ही आज से कई सौ साल पहले एक बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। उस बीमारी को नाम दिया गया था ब्लैक डेथ। उसी प्लॉट पे बेस्ड है ये मूवी, जहाँ एक जवान मॉन्क एक नाइट को कुछ सोल्जर्स का लीडर बना के एक गांव में भेजता है ताकि वो वहां हो रही रहस्यमय मौतों का पता लगा पाए। मूवी एडवेंचरस होने के साथ साथ थोड़ी हॉरर भी है। IMDb इस मूवी को रेट करती है 6.4। 9th प्लेस पे आती है अलाइव, ये आई थी 1993 में। ये मूवी कहानी दिखाती है एक रग्बी टीम की जो फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक माउंटेन पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जहां दूर दूर तक इंसान क्या कोई जानवर भी नहीं। अब वो सभी टीम मेंबर्स वहां पे अकेले फंसे हैं, जहां धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म हो रहा है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें एक दूसरे को मार के खाना होगा, वरना मौत तो तय है। अब वो बचने के लिए क्या क्या करते हैं, उसके लिए देखेगा ये मूवी। 8th प्लेस पे आती है अपोकलिप्टो। ऐसी मूवी आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसी कहानियां सोचना और उन्हें पर्दे पर उतारना हर किसी के बस की बात नहीं। मूवी में आदिवासियों के दौर को दिखाया गया है, जब इंसान जंगलों में रहता था और शिकार करके अपना पेट भरता था। वैसे ही एक ट्राइबल ग्रुप को दिखाया गया है इस मूवी में, जिनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब एक दूसरा कबीला उन पे हमला कर देता है ताकि वो उन लोगों को गुलाम बना सके और उनकी बलि दे सके। पर मूवी का हीरो कैसे तैसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, जो इन सबका बदला लेना चाहता है। इस मूवी की कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए कोई भी समझदार इंसान इसे आराम से समझ सकता है। 7th प्लेस पे आती है वेलहेला राइजिंग, ये आई थी 2010 में। मूवी 11th सेंचुरी के स्कैंडिनेविया पे बेस्ड है, जहां एक आदमी जो एक आंख से अंधा है, कई सालों तक उसने गुलामी करी है और उसी गुलामी के जख्म उसे हमेशा उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने उसे कैद रखा। अब वो आदमी अपने उन सभी जख्मों का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो जेरूसलम की तरफ निकल पड़ता है। वहां उसके साथ क्या क्या होता है और वो क्या अपना बदला पूरा कर पाता है कि नहीं, उसके लिए देखेगा ये मूवी, जिसे IMDb रेट करती है 6.1। हमारी नेक्स्ट मूवी है स्विस आर्मी मैन। इस मूवी की कहानी लिखते वक्त राइटर के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, जो उसने ये मूवी लिखी। पर उससे भी बड़ी बात, इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया। ये मूवी कहानी दिखाती है एक लड़के की, जो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका है और मरने के लिए जा रहा है। तभी अचानक उसे एक बॉडी दिखाई देती है, जो जिंदा तो है पर काफी अजीब भी है। अब वो लड़का अपना अकेलापन दूर करने के लिए उस बॉडी को अपना साथी बना लेता है, जिसके चलते उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। मूवी आपको थोड़ी ऊटपटांग लग सकती है, पर ये मूवी आपको लंबे समय तक याद रह जाएगी। हमारी पांचवी मूवी है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये क्लासिक स्टोरी बेस्ड है एक आदमी पे, जिसे एक जुर्म में फंसाकर कैदी बना लिया जाता है। पर वो आदमी बहुत ही शातिर और चालाक है, जो अच्छे से अपना बदला लेना जानता है। वहीं एडमंड नाम का एक और आदमी, जो एक लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, पर एडमंड का बेस्ट फ्रेंड उसके आड़े आ जाता है, जिसके चलते उन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अब बाकी की स्टोरी जानने के लिए देखी गई ये मूवी, जिसे IMDb रेट करती है 7.8। 4th प्लेस पे आती है एवरेस्ट, आई थी 2015 में। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ाई करना कितना एडवेंचरस हो सकता है, देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। फिल्म की शुरुआत होती है 10 मई 1996 से, जहां एक टीम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए निकलती है। पर उस चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फीले तूफान, घंटों की चढ़ाई और हिम्मत तोड़ देने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने से रोक पाएगा कि नहीं, देखिएगा इस मूवी में। IMDb इस मूवी को रेट करती है 7.1। 3rd प्लेस पे आती है बिग फिश, आई थी 2003 में। ये मूवी एक बाप बेटे के रिलेशन की कहानी दिखाती है, जहां बेटा अपने बीमार बाप के साथ हर पल रहना चाहता है, पर वो लड़का हमेशा अपने बाप को लेकर उन चीजों में कंफ्यूज रहा है, खासकर उसकी वो कहानियां जो उसका पिता हमेशा उसे सुनाया करता था। उनका सच वो हमेशा जानना चाहता था, जिसके लिए वो खुद उन स्टोरीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। इस एडवेंचर ड्रामा मूवी को IMDb रेट करती है 8 out of 10। 2nd प्लेस पे आती है जोरासिक सीरीज। सालों पहले मरे हुए डायनासोर्स को देखने का लाइव एक्सपीरियंस हमें मिला था 1993 में आई जोरासिक पार्क में, जो बेस्ड थी एक नॉवल पे। उसके बाद जोरासिक सीरीज की काफी सारे पार्ट्स आए, जिन्होंने ऑडियंस के होश उड़ा दिए, और आज भी ये मूवी देखने से लोग खुद को रोक नहीं पाते। ये बेहतरीन एडवेंचर मूवी सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। 1st प्लेस पे आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी सीरीज। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक मूवी सीरीज है, जिसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। मूवी बेस्ड है उस दौर में, जब समुद्री लुटेरे पानी के जहाजों से लूटपाट किया करते थे और अनजाने टापुओं पे खजाने की खोज में निकल जाया करते थे। इन मूवीज की लीड में आपको दिखाई देंगे जॉनी डेप, जो इस मूवी सीरीज की जान है। इस मूवी सीरीज की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, जिसे IMDb रेट करती है 8 out of 10। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू हियर फ्रॉम मी अगेन, बी श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। वी विल मीट अगेन इन सम मोर गुड वीडियोस। अंटिल देन, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।